Hello everyone, you are watching Study Palace Hub. I am Vandana Singh. In this video, we will discuss about MBBS abroad. And our discussion is specially focused on MBBS in Russia. बहुत से स्टूडेंट्स इंडिया की बजाय अब्रॉड को क्यों प्रिफर करते हैं MBBS के लिए, उनको क्या बेनिफिट मिलता है इसके लिए, क्या उनको ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा या काफी सिक्योर होगा? So guys, see that, what's the benefit if you choose MBBS abroad? सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है इजी ऑफ एडमिशन प्रोसेस. Everyone knows that कि इंडिया में MBBS करने के लिए नीट काफी हाई स्कोर में आप जब क्वालिफाई करोगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड होगा. एवरी ईयर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 500 प्लस स्कोर करते हैं बट स्टिल दे डिड नॉट गेट गवर्नमेंट कॉलेज. एंड इट्स ऑब्वियस दैट कि प्राइवेट कॉलेजेस के फीस काफी हाई होते हैं एंड गवर्नमेंट में सीट मिलती नहीं है. देन कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी हाई. अब ये देखते हैं कि MBBS अब्रॉड का फायदा क्या है, यहाँ पे इजी एडमिशन प्रोसेस कैसे है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करना होगा, सिर्फ इंडिया में नीट क्वालिफाई करना होगा, वो भी काफी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे, जस्ट लाइक आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा. एंड इन क्लास 12th यू नीड PCB स्कोर 50%. बहुत ही कम परसेंटेज एंड काफी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है अब्रॉड में MBBS में एडमिशन के लिए. That is why it is very easy to get an admission in MBBS abroad. और आपका जो admission होगा it would be an government university which would be MCI approved and WHO listed. Abroad में MBBS के admission को easy of admission हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि वहाँ पे admission process के लिए आपको specially जाने की जरूरत नहीं है, सारे process online possible हैं. आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं. इन सभी चीजों की जानकारी आपको नीचे वेबसाइट की लिंक दी हुई है एंड फोन नंबर दिए हुए. आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, देन आपको बेस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी. और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप राइट करिए, आपके सारे आंसर स्मूथली दिए जाएंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ MBBS अब्रॉड, दैट इज द बिगेस्ट थिंग्स, और वह है बजट. अब देखते हैं MBBS अब्रॉड का बजट कितना है. That is as less as 16 lakh Indian rupees. और ये आपका 5 years का बजट है including food and hostel fees. यदि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करें तो MBBS अब्रॉड का बजट ज्यादा एफोर्डेबल होगा. थर्ड वन, क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन MBBS अब्रॉड. बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि MBBS अब्रॉड मीन्स हाई बजट. उनका ऐसा सोचना होता है कि क्योंकि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में बजट काफी हाई होता है तो अब्रॉड में तो इसका मतलब कि बजट हाई होना ही है. और यदि ऐसा नहीं है तो मीन्स वहां की एजुकेशन की वैल्यू नहीं होगी या फिर वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज द रीजन इज इंडिया की अपेक्षा अब्रॉड में कंपटीशन कम है. वहां पर यूनिवर्सिटीज ज्यादा हैं और सीट्स ज्यादा हैं, इसीलिए वहां पे कम कंपटीशन है. और इसी वजह से अब्रॉड के एजुकेशन की जो वैल्यू है वो इंडिया की अपेक्षा इन टर्म्स ऑफ प्राइस कम है बट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिमिलर है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ह्यूज होते हैं, उनकी लेबोरेटरीज वेल इक्विप्ड होती है, हॉस्टल की फैसिलिटीज भी काफी अच्छी होती है, इंडियन फूड इंडियन मेस की फैसिलिटीज भी काफी अच्छी रहती है, आपको वेज और नॉन वेज दोनों की फैसिलिटी मिलती है. सो यू गेट ऑल द फैसिलिटीज आर यू नीड, एवरीथिंग इज वेल मेंटेन एंड क्वालिटी टू गुड. नाउ कमिंग ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मीडियम ऑफ एजुकेशन. बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि अदर कंट्रीज में यदि वहां के लैंग्वेज में स्टडी हुआ तो फिर वो कैसे हैंडल करेंगे. सो गाइज डोंट वरी, जो भी आपकी पढ़ाई होगी इट वुड बी ऑल ऑफ इट इन इंग्लिश मीडियम. एंड गाइज यदि आपको ऐसा लगता है कि वहां की इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी तो डोंट वरी, अब्रॉड में काफी सालों से इंडियन स्टूडेंट MBBS की पढ़ाई के लिए जाते रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग टू इंडियन स्टूडेंट, सो डेफिनेटली यू गेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन लेस बजट. द अनदर मेजर पॉइंट दैट एक्सपोजर. वंस यू कम बैक आफ्टर डूइंग MBBS यू विल रियलाइज कि आपकी पर्सनैलिटी है और एक अनदर स्टूडेंट जो कि इंडिया से MBBS किया हुआ है उसकी पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस है. उसका एक कारण है कि आप एक अनदर लैंग्वेज सीखते हैं एंड यू हैव सीन द वर्ल्ड. नेक्स्ट बेनिफिट, करियर अपॉर्चुनिटी. अदर कंट्रीज में MBBS करने की वजह से इंडिया के साथ ही किसी दूसरी कंट्री में भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है. नाउ कम द मेजर सेक्शन, दैट इज द स्कॉलरशिप. अब्रॉड की कुछ कंट्रीज स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन देती हैं. नाउ गाइज अब हम बात करते हैं रशिया की. क्यों जब कोई स्टूडेंट अब्रॉड जाने के बारे में सोचता है तो उसके माइंड में रशिया ही क्लिक करता है, क्यों उसे ऐसा लगता है कि मुझे रशिया ही जाके MBBS कंप्लीट करना चाहिए. व्हाई रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर MBBS अब्रॉड. नाउ गोइंग फर्दर इन द वीडियो की रीजन क्या है, क्या कारण है कि अब्रॉड में लोग रशिया में ही जाना पसंद करते हैं. तो गाइज इसका फर्स्ट रीजन है एक्सपीरियंस. इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन फॉर MBBS अब्रॉड. रशिया की यूनिवर्सिटीज काफी पुरानी हैं और वे MCI एंड WHO अप्रूव्ड हैं. सो यू हैव ग्रेट चॉइसेस अवेलेबल MBBS फ्रॉम रशिया. एक्सपीरियंस के मामले में अब्रॉड में रशिया सबसे पुराना MBBS डेस्टिनेशन है.
तो गाइज यदि आप MBBS की पढ़ाई के लिए रशिया जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फी प्रोसेस फॉर MBBS इन रशिया, देन टॉक टू अबाउट प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है MBBS इन रशिया के लिए एंड वहाँ की लिविंग कॉस्ट क्या है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वॉट इफ COVID-19 विल नॉट एंड, COVID-19 के इस पैंडेमिक पीरियड में क्या रशिया में MBBS करना सेफ होगा, क्या वहाँ इस समय प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेंगी। सो गाइज लेट्स सी दैट ईच एंड एवरीथिंग फॉर MBBS इन रशिया 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फी स्ट्रक्चर। तो गाइज सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि फी इज ऑलवेज पेएबल इन रशियन रूबल। आपकी फीस हमेशा ही रशियन रूबल में पे होगी, ना ही इंडियन रूपीज में, ना ही डॉलर में, ना ही कोई और करेंसी में, आपको रशियन रूबल ही वहां पे करना होगा। अब बात आती है कि एक्चुअल फीस कितनी होती है। रशिया की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है जो कि MCI एंड WHO अप्रूव्ड है, वहाँ की एक्चुअल फीस कितनी है मैं आपको इंडियन रुपी में बताती हूँ। जान फेडरल यूनिवर्सिटी में ईयरली फी आपकी 4,25,000 है। इसमें आपकी 3,95,000 के लगभग फीस आपकी ट्यूशन फीस हो जाती है एंड अदर आपकी हॉस्टल फीस, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होगी, मेडिकल इंश्योरेंस होगा एंड वीजा एक्सटेंशन होगा। और ये जो आपका इंडियन रुपीज में 4,25,000 है, ये रूबल में 4,15,000 होगा और ये आपकी सालाना फीस होगी, ईयरली होगी। सेकेंड नंबर पे है फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपका ईयरली फी है इन रूबल 3,54,000 एंड इन इंडियन करेंसी 3,63,000। नेक्स्ट वन देखते हैं रशियन मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी, ईयरली फी 4,50,000 इन रूबल एंड इंडियन 4,63,000। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी दैट 10 प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट। गाइज चॉइस इज योर, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी को प्रिफर करना चाहते हैं। नाउ वी विल सी एडमिशन प्रोसेस फॉर MBBS इन रशिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यदि आप MBBS करना चाहते हैं रशिया में तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना ही होगा। सी दैट मिनिमम 50% स्कोर इन 12th PCB, इट्स फर्स्ट स्टेज एंड यू मस्ट हैव इंग्लिश इन क्लास 12th। नेक्स्ट वन, योर 12th बोर्ड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू मस्ट क्वालिफाई नीट। आपको नीट क्वालिफाई करना नेसेसरी है, सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, बहुत हाई रैंक की जरूरत नहीं होती है अब्रॉड में एडमिशन के लिए। अनदर वन, यू शुड बी मिनिमम 17 ईयर्स ओल्ड। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे कि MBBS इन रशिया के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइज आपको 10th और 12th के मार्कशीट चाहिए और यदि आप 12th परस्यू कर रहे हैं तो आप उसको वेटिंग में कर सकते हैं, उसको आप बाद में दे सकते हैं। एंड गाइज इसके अलावा स्टूडेंट ID प्रूफ एंड गार्जियन ID प्रूफ दोनों ही चाहिए, आपका ID प्रूफ और आपके पेरेंट्स का ID प्रूफ, ये दोनों ही नेसेसरी है। और इसके अलावा आपका नीट का स्कोर कार्ड भी आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। और यदि आप नीट अपियरिंग में हैं तो आप उसको भी वेटिंग में कर सकते हैं, उसको बाद में शो कर सकते हैं। तो गाइज ये तो वे चीजें हो गई जो आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए चाहिए। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे जो हमें वीजा एप्लीकेशन के लिए चाहिए। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए एंड HIV रिपोर्ट आपको सबमिट करना होगा जो कि ऑब्वियस है निगेटिव होना चाहिए। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए जो कि रिसेंट का हो। एंड गाइज आपको अपना एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर भी सबमिट करना होगा जो कि आपको MBBS इन रशिया के लिए अप्लाई करते समय अवेलेबल होता है। चलिए अब आते हैं लिविंग कॉस्ट पर, फूड कॉस्ट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स एंड स्टेशनरी कॉस्ट एंड योर्स पॉकेट मनी। सो गाइज इन चीज़ों के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कॉस्ट आप देखिए। फर्स्ट फूड कॉस्ट, इस पर आपका 70,000 इंडियन रुपीज पर मंथ आपका खर्च हो सकता है। एंड देन लोकल ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए आप 2,000 इंडियन रुपी पर मंथ रखिए। स्टेशनरी कॉस्ट भी 2,000 इंडियन रुपीज पर मंथ में आपका हो जाएगा। एंड योर पॉकेट मनी, 5,000 इंडियन रुपी पर मंथ इनफ है बट इट्स डिपेंड ऑन यू। तो गाइज ये सारे खर्चे मिला के आपके 16,000 रुपीज पर मंथ होते हैं और ये इंडियन करेंसी में मैं बता रही हूँ। ये आपका रशिया में मिनिमम लिविंग कॉस्ट पड़ेगा। यदि आप डॉलर में समझना चाहते हैं तो मिनिमम $200 की आपको रिक्वायरमेंट होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि COVID-19 डिजीज कंट्रोल नहीं हुआ और ये स्थिति ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा। देन ऐसी कंडीशन में गाइज यूनिवर्सिटीज ने अपने ऑनलाइन सिस्टम को रेडी कर दिया है, जो स्टूडेंट्स एनरोल हो जाएंगे उन्हें वे ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू स्टडी कंटिन्यू कर देंगे। सो गाइज डोंट वरी, डोंट ब्रेक योर ड्रीम। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी क्वेरी चाहिए, उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर स्मूथली दिए जाएंगे। यू कैन फ्री विथ कॉल एंड व्हाट्सएप, दोनों के नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेजेस करिए विच इज सुटेबल फॉर यू, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट के लिंक पे जाके भी क्वेरी कर सकते हैं।